नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास सिक्स का जो साइंस बुक है उसका 16वां चैप्टर कचरा संग्रह एवं निपटान। जो हमारा कचरा होता है या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे उपयोग किए हुए कुछ पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। उनका संग्रहण मतलब उन्हें एक जगह एकत्रित करना और उनका सफाया करना, निपटान का मतलब यहाँ पे ही है। तो जो कचरा होता है ये हम जब विद्यालय, दुकान, कार्यालय या फिर हम प्रतिदिन अधिक मात्रा में क्या करते हैं, कूड़ा कचरा जो है अपने घर के बाहर फेंकते हैं। तो अनाज, दाल, बिस्कुट, दूध और जो तेल होता है इनमें हम जब दुकान को खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं कि हमें प्लास्टिक की थैली अथवा टिन में ये क्या करते हैं कि पैक होते हैं। तो पैकिंग में जो सभी वस्तुएं कचरे में क्या की जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। तो जब ये कचरे जो है फेंके जाते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो हमारी प्लास्टिक होती है ये बहुत ही हानिकारक होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पर जैसे बस और रेलगाड़ी, इसमें मूंगफली खाने के बाद हम छिलके क्या करते हैं वहीं पे फेंक देते हैं। तो बस से उतरने के बाद हम जो है टिकट को भी वहीं पर फेंक देते हैं, क्योंकि जब हमारा कार्य जो है वहीं पर समाप्त हो गया उस टिकट का, तो उस टिकट को लेकर के हम क्या करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं और उसे उसी जगह पर फेंक देते हैं। तो किसी को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी सामान जो है हर जगह फेंकना चाहिए, उसे एक जगह एकत्रित करके तब फेंकना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे आपके पास अगर कूड़ादान है, कूड़ादान के डिब्बे रखें तो आप वहाँ पे उसे फेंक सकते हैं। जैसे कि पेंसिल का छिलका है तो बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल के छिलके को जहाँ पे बैठे रहते हैं उसी के नीचे क्या करते हैं कि बेड, खटिया, इन सब के नीचे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो लेकिन जब सुबह घर को साफ़ किया जाता है तो इन सारी चीज़ों को जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी नोटबुक होती है इनमें कुछ हम गलत लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्याही फैल जाती है, पेज को फाड़ कर फेंक देते हैं। ठीक है, और जो हमारे खिलौने, पुराने कपड़े, चप्पल, जूते, ये सब भी हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो कचरे का निपटान है ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ये क्या करते हैं कि जितने भी सारे कचरे जो है वो होते हैं तो उन्हें ट्रकों में इकट्ठा करके एक गहरे गड्ढे या फिर किसी खुले स्थान पर क्या करते हैं, ले जा करके फेंक देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, भराव क्षेत्र। तो वहीं पे इन जो हमारे ये कचड़े हैं इनका क्या होता है कि कंपोस्ट बनाए जाते हैं। कंपोस्ट का मतलब यहाँ से क्या है, खाद, जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें केवल वही चीज़ें खाद बन सकती हैं या फिर खाद बन सकती हैं जो कि प्लास्टिक या फिर कोई केमिकल से ना बना है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक क्या है, वो पॉलिएस्टर से बना हुआ एक केमिकल होता है जो कार्बन का ही रूप होता है, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, तो कचरा जो होता है इनके उपयोगी और अनुपयोगी के दो अवयव होते हैं। तो जो उपयोगी अवयव होता है उसे तो हम पृथक कर लेते हैं, इन्हें भराव क्षेत्र में फैला करके इनमें मिट्टी की परत अगर आप ढक देंगे, जैसे कि मान लीजिए इन सारी कचरों को आपने इस तरह से भर दिया और इसके ऊपर मिट्टी रख दी, ठीक, तो इससे क्या होगा कि ये भराव क्षेत्र जो है पूरी तरह से जब भर जाते हैं तब इनमें पार्क अथवा जो खेल के मैदान होते हैं वो बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे कचड़े हैं वो भी मिट्टी का रूप ले लेते हैं और जो मिट्टी हम यहाँ से खोद के निकालते हैं उसका भी उपयोग हम घर बनाने या फिर घर में कहीं मिट्टी जगह कम पड़ी है तो वहाँ पर डालने में उपयोग कर लेते हैं। तो क्या होता है कि पार्क अथवा जो खेल का मैदान होता है जब इन्हें बनाते हैं तो लगभग 20 वर्षों तक क्या होता है कि यहाँ पे कोई भवन जो है निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि जो कचरे के अनुपयोगी अवयव हैं वहाँ पे कंपोस्ट बनने वाले जो क्षेत्र हैं वो विकसित किए जाएंगे, फिर इसके बाद कंपोस्ट का जो है उपयोग जो है हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कचरे के मतलब कि उसके निपटान के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या करते हैं कि हमारे घर में जितनी या फिर रसोई में जितनी भी चीज़ें, सब्जियां और फल के छिलके, ये सारी चीज़ें कचरे उन्हें एकत्रित करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, कपड़ों के टुकड़े हैं, पॉलीथीन, थैली, कांच, एल्युमिनियम, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम इकट्ठा करते हैं। तो इन्हें इकट्ठा करने के बाद हम यहाँ पे उनको लिख देते हैं, ठीक, क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने इकट्ठा की है, और इसके बाद हम उसे एक गड्ढे में रख देंगे। तब हम उसे उसके ऊपर एक मिट्टी रखें, सॉरी मिट्टी उसके ऊपर रख देंगे, तो क्या होगा कि उसमें आपको ये देखना है कि जो हमारे पॉलीथीन से बनी हुई चीज़ें हैं वो क्या होती है, कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं होती हैं, लेकिन जो
पॉलीथीन से नहीं बने होते हैं वो कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं और उन्हें खोद करके हम उनमें अपना उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे कचड़े हैं उनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कंपोस्ट के रूप में बन जाती हैं या फिर खाद बन जाती हैं, तो जिसका प्रयोग जो है पौधों के लिए किया जाता है। तो कुछ पदार्थ जो खाद का रूप या फिर खाद के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो कुछ शहर नगर में जो नगर पालिकाएँ होती हैं नगर का देखभाल करती हैं, तो वे क्या करते हैं कचरे को एकत्र करने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान बनाते हैं। एक में क्या होता है कि एक का रंग जो है नीला होता है, दूसरे का रंग हरा होता है, कि ऐसे आप अपने घर के बाहर भी देख सकते हो कि वो हो सकता लगा हो। तो जो नीला होता है उसका उपयोग क्या होता है कि जिनका उपयोग पुनः किया जा सके, जैसे कि हमारी बोतल है, ठीक, पॉलीथीन है, प्लास्टिक से बनी हुई धातु है, कांच है, तो कांच को क्या करेंगे, कांच को गला लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10-20 कांच इनके पास मिल गया, तो ये 10-20 कांचों को गला करके कोई एक नया कांच जो है वो बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं कि आप अलग से बना सकते हैं सॉरी। और जो नीला होता है इसका उपयोग जो है वो इन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन जो हरे होते हैं उनमें ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो कि क्या हो कि विघलित ना होते हों, ठीक, जैसे कि जंतु अपशिष्ट पदार्थ, ये सारी चीज़ें जो है उनमें डाले जाते हैं और इनसे वो क्या करते हैं कि खाद जो है वो बना लिया जाता है। और हमें एक कार्य करना चाहिए कि जो हमारे पॉलीथीन या फिर पॉलीबैग्स होते हैं उन्हें, या फिर जो हमारी पत्तियां होती हैं उन्हें जलाने से एक हानिकारक गैस निकलती है, वो क्या होती है, CO2, ठीक, जिसके कारण आज कौन सा खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ये मंडरा रहा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 0.4%। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0.4% होते हुए भी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, मतलब कि पृथ्वी की जो सतह है वो अत्यधिक गर्म हो रही है, तो इन सारी चीज़ों का खतरा हो रहा है। अगर यही 1.4 हो जाए तो खतरा जो है वो और भी बढ़ सकता है, ठीक। तो ये जो कचरे का निपटान होता है इसकी प्रक्रिया जो होती है ये बहुत ही लंबी होती है, उन्हें बहुत ही देरों तक क्या होता है कि रखा जाता है। अब आगे चलते हैं कि हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में ये होता है कि आपको जो भी आपने कचरे इकट्ठे किए हैं उसमें एक गड्ढे में आपको रखना है, और उसमें आपको लाल केचुए, ठीक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि लाल केचुए, ये इनके फिगर हैं, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको क्या करना है कि उसी में डाल करके मिट्टी से ढक देना है। तो इनका भोजन जो होता है ये यही चीज़ होती है कि इन्हें खाएंगे, अपचित पदार्थों को क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रीम कंपोस्टिंग। क्रीम कंपोस्टिंग का मतलब कि बनाई गई खाद, ठीक। तो इसका उपयोग जो है हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कि आपको 30 सेंटीमीटर जो है वो गड्ढा खोदना है, उसमें आपको लकड़ी के बॉक्स किसी ऐसे स्थान पे रखे जाएं जहाँ पे बहुत ही गर्मी ना हो और ना ही बहुत ठंडा हो। तो ऐसे स्थान के बारे में हमें देखना चाहिए और उसमें सीधी धूप जो है वो ना पड़ती हो, ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे सीधी धूप पड़ेगी तो ये जो हमारे केचुए होते हैं वो गर्मी के कारण क्या करेंगे, उनकी डेड हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक। तो इनमें क्या करना है कि हमें काटन का प्रयोग न करें, रेत अथवा तार की जाली को क्या करें, सूखा गोबर पर बिछा या जा सकता है। इसके ऊपर क्या करें, हमें सूखा गोबर भी रख सकते हैं, कैसे कि आप देख सकते हैं जो गोबर होते हैं आपके उसमें केचुए या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है वो पाए जाते हैं जो कि उन्हें खाद में परिवर्तित कर देते हैं और उनका उपयोग जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो लाल केचुए को क्या चाहिए, हमें भोजन चाहिए उसको देने के लिए। उसके भोजन क्या होते हैं कि फल सब्जियों के जो अपशिष्ट होते हैं, काफ़ी चाय छाने के बाद जो उसकी पत्तियां होती हैं वही इनके क्या होते हैं कि भोजन होते हैं। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध, ये सब निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वही क्या करते हैं कि लाल केचुए जो होते हैं वो खाते हैं। तो लाल केचुए के लिए यहाँ पे आहार दिया गया है, तो इनके लिए आहार जो होते हैं जो आपके खराब खाने हैं, खराब भोजन, इनका यही भोजन होता है, ठीक। तो जो लाल केचुए होते हैं इनके पास दांत नहीं होते हैं, तो इनकी एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, गिजर्ड बोलते हैं। ये भोजन को पसीने की सहायता से मतलब कि पसीने में इनकी सहायता जो है वो
करता है। यदि आप हम अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी को चूरा जो है आहार के साथ मिला देते हैं तो इनके आहार के साथ क्या होता है कि क्रिम के गिजर्ड में पहुंच जाता है और ये भोजन क्या होता है कि पीसने के लिए उसकी सहायता करते हैं। और कोई लाल क्रिम जो है एक दिन में अपने शरीर के बराबर जो है आहार खा सकता है, या फिर जो केचुआ होता है ये एक दिन में अपने शरीर के बराबर जो है आहार उसको खा सकता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग हो रही है। तो इसमें वर्मी कंपोस्टिंग में जो गमले बीज और बगीचों में जो हमारे खेत होते हैं उनमें जो हम पौधे उगाए होते हैं उनके लिए क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, खाद होता है। क्या होता है? खाद। ठीक, अब आगे चलते हैं कि और ये जो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग है इसके द्वारा जो हमारे महंगे रासायनिक उर्वरक हैं इनसे हमारा जो आमदनी है ये भी नहीं बचती है और इससे हमारा जो खेत की उपजाऊ शक्ति है ये भी समाप्त हो जाती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग से इसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ती भी है और फसल भी वो जो होती है अच्छी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सॉरी सोचिए और फिर फेंकिए। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम जो भी हमारे चारों तरफ जितने कचड़े हैं उन्हें एक 5 से 10 लीटर की कोई एक बाल्टी है उसमें अपने कचड़े को भर करके एक जगह रखने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये निकटवर्ती कूड़ा घर है, यहाँ पे जितने भी घर पाए जाते हैं सबके कूड़े जो है इसमें फेंके जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि शहर अथवा नगर की जनसंख्या जो है पता हमें करनी चाहिए कि उनके गली मोहल्ले या फिर नगर में कितनी बाल्टियाँ जो है कचरा जो है वो उत्पन्न होता है। फिर इसे हम ऐसे गांव के बारे में देखेंगे कि जहाँ के लोग जो है अधिक बुद्धिमान है, जहाँ कचरा जो है कम निकलता है। जैसे कि नानू जो है ये एक विद्यार्थी का नाम है जो 6ठी क्लास में पढ़ता है, उसे कागज़ का जो वायुयान बनाना बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन जब वो अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़ता है और वायुवान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है। परंतु नानू को इसकी कोई चिंता नहीं क्योंकि उसके नानू अपनी माँ के साथ जो अपनी मौसी के घर गया था। ठीक, तो मौसेरे भाई जो है श्याम द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने क्या की कि पेंसिल के छिलके बड़ाई करड़ों के फूल पुराने कपड़े कचड़े ये सब क्या करता है कि थैलियों टोकरी में भर करके नानू को आश्चर्यचकित रह जाता है। क्योंकि ये ऐसा होता है कि वहाँ के घर जो लोग थे वो बुद्धिमान थे और जो वस्तुएं होती थीं उन्हें ये थैले में खरीद कर लाते थे न कि पॉलीथीन में। ठीक, तो इनका जो ये कपड़े की थैली थी इससे क्या होता है कि इसे आप एक बार उपयोग करने के बाद इसे साफ करके इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि वहाँ के जो फोटो फ्रेम बधाई को ये सुंदर कार्ड जो देखते हैं लोगों को तो सब उसके नानू के द्वारा जो फेंकी गए कागज़ की लुगदी बनाते थे। और फिर नानू को एक नया अनुभव हुआ कि उस समय इसने जितने भी कागज़ फेंके थे मान लीजिए वो कागज़ ख़राब हो गए थे तो उससे आप फिर से दोबारा कागज़ बना सकते। तो आइए कागज़ बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पे देखते हैं कि कागज़ का पुनः चक्रण का मतलब एक बार कागज़ आपका उपयोग हो गया तो इसके बाद आप दूसरी बार कागज़ को किस तरह से उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी पुराने समाचार पत्र या फिर आप कह सकते हो कागज़ से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन्हें हमें लेना है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है कि बांट देना है। ठीक, इसके बाद उसे एक जल में एक दिन तक पूरा डुबो करके आपको रखना होगा। इसके बाद जब वो जो कागज़ है अच्छी तरह से क्या होगा कि पानी में भीग जाएगा, इसके बाद आपको धीरे से पानी जो है वो बाहर निकालनी है और इसके बाद आपको कागज़ की एक लुद्दी या फिर फ्रेम का पुराना कपड़ा या फिर जो समाचार पत्र है उसे हम फैला देते हैं और लुद्दी का जो अधिक से अधिक जल है वो सोख लिया जाता है। ठीक, आप जो लुद्दी होता है इसकी परत जो हम सावधानी पूर्वक अलग करते हैं क्योंकि इससे पुराने समाचार पत्र को रख करके हम क्या करते हैं हम धूप में सुखाइएंगे और समाचार पत्र के किनारे कुछ ऐसी चीज़ रख देंगे जिससे कि वो क्या करें मुड़ ना पाए। ठीक, उससे वो मुड़ नहीं पाए। तो रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए हम लुगदी में क्या करते हैं कि उसके बाद खाने वाले जो रंग हैं वो हम मिला देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम कागज़ भी बना सकते हैं, वो भी पुराने कागज़ या फिर फेंके हुए कागज़ से कागज़ का पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने भी चारों तरफ जितने कागज़ पाए जाते हैं बल्कि उन्हें इकट्ठा करके उनका पुनर्चक्रण जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जानते हैं कि जो कागज़ होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं,
सॉरी जो हमारे पास कागज होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। किससे? पौधों से। पौधों की लकड़ियों को ही काट करके कागज बनाया जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा पौधा होता है ये हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के बिना इस मतलब कि कोई भी जीव या फिर जीवित नहीं रह सकता है। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक वरदान है या फिर अभिशाप। जो हमने अभी अभी प्लास्टिक के बारे में देखा वो क्या है, एक तरह से आपको वरदान के रूप में दिया गया या फिर अभिशाप के रूप में दिया गया। तो प्लास्टिक का अगर आप वरदान के रूप में समझें तो आप प्लास्टिक का उपयोग क्या करते हैं कि बाजार से सामान को लाने के लिए, ठीक। दूसरा आप खिलौना बनाने के लिए या फिर खिलौनों को खेलने के लिए, ठीक। प्लास्टिक की बनी कोई चीज जैसे कि आपकी पाइप है तो पाइप के द्वारा आप अपने अनेक कार्य करते हैं, ठीक। तो इस तरह से प्लास्टिक के जितने वरदान हैं उससे तो कहीं अधिक ज़्यादा अभिशाप है। अभिशाप का मतलब यहाँ पे उसके डिसएडवांटेज से है कि उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो जो हमारा प्लास्टिक होता है इसे हमने देखा या फिर हमने उसमें वर्मी कंपोस्टिंग भी की, मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमने वर्मी कंपोस्टिंग में देखा कि जो हमारे लाल केचुए थे उन्होंने प्लास्टिक से बनी हुई किसी भी चीजों को खाद के रूप में परिवर्तित नहीं किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे प्लास्टिक है इससे अगर हम इन्हें अपने खेतों में फेंक देते हैं तो ये क्या करते हैं, हजार वर्षों तक, कितने वर्षों तक, एक दो वर्षों तक नहीं, हजार वर्षों तक ये मिट्टी में नहीं मिलते हैं। ठीक, ये मिट्टी में नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे प्लास्टिक होते हैं इनके बिना हम जीवन भी नहीं बिता सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघी, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, जल पाइप, तो यहाँ पे हमने उन सभी चीज़ों को देखा है। और जो प्लास्टिक से हमारे बस भी बने होते हैं, कुछ होते हैं ना उनके अंदर प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। रेडियो होता है, टेलीविज़न जो होता है वो उनके पीछे की कवर जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर जो हमारे रखने के जगह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों में क्या होते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो प्लास्टिक का उपयोग जो है वो कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन समस्या तब ये उत्पन्न करेगा जब हम इसे अधिक उपयोग करेंगे, ठीक। इसका जब अधिकाधिक या फिर अधिक आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तब ये क्या करेगा, हमारे लिए समस्या बना देगा। तो जो हमारे पास पॉलीथीन होते हैं तो हमने देखा कि ये मिट्टी में हजारों वर्षों तक नहीं मिलते हैं, तो ये जिस जगह पर भी पहुँच जाते हैं खेतों में उस जगह पर इनकी जो फसल होती है वो भी नहीं उगती है। तो अगर प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो जलाते हैं तो उनसे बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल को भी प्रभावित करती हैं, हमारे वायुमंडल को दूषित करती हैं, और इनसे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिससे मानव में कैंसर जो होता है ये एक ऐसा रोग अभी उत्पन्न हुआ है कि ये जो है जल्दी ठीक भी नहीं होता है, ठीक। तो अब ये जो हमारे पास प्लास्टिक है इसे अगर हम असावधानीपूर्वक फेंकें या फिर प्लास्टिक की थैलियों का अधिक प्रकार से उपयोग करें, ठीक है, तो इसे अगर ये बहकर नाले तथा सीवर की प्रणाली में पहुंच जाए तो इससे नाले जो है अवरुद्ध हो जाएंगे, गंदा जल जो है वो सड़कों पर फैलने लगेगा। इससे क्या होगी कि भारी वर्षा जो होते हैं इससे बाढ़ आएगा, तो ये जो पानी है प्रदूषित ये हर जगह पहुँचेगा जिससे कि प्रदूषित पानी से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो फैल सकती हैं, ठीक। तो अगर हमें इन कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिए गए हैं। हमें प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम जो है वो उपयोग करना चाहिए, ठीक। और दुकानदार जो कागज या फिर थैले का उपयोग करता है ये हमें उनका उपयोग करने के लिए उनसे आग्रह करना चाहिए और अपने घर पे ला करके उन्हें
रखना चाहिए, ठीक। और हमें कपड़े अथवा जो जूट का थैला होता है, जो कि हमने देखा था कि जूट किस प्रकार से बनाया जाता है, जूट के पादप के बारे में भी देखा था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जा करके। और यहाँ पे आप जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनके संग्रहण के लिए हमें प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग के पश्चात जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, हमें इधर उधर उसे नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो हम उपयोग करने के पश्चात हमने देखा, और हम प्लास्टिक की थैलियों जो होती हैं, ये अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं से कभी नहीं जलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे हानिकारक गैसें जैसे कि CO2, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सारी चीज़ ये गैसें जो हैं वो निकलती हैं, ठीक। हमें वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो रसोई के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका अच्छे से निपटान जो है वो करना चाहिए, और जो कागज़ हैं उन्हें हमें पुनर्चक्रण करना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा है, या फिर इस पाठ में देखा, कि किस तरह से जो हमारी पॉलीथीन होती है या फिर कचरे होते हैं, उनका निपटान हम किस किस विधि से कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देखा है। अब आगे हम इनके अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। तो पहला का है कि लाल केंचुए किस प्रकार कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं, जो कि पॉलीथीन से जो बने होते हैं, या फिर सिंथेटिक आप कह सकते हो, क्या क्या पॉलीथीन, ठीक, पॉलीथीन, नायलॉन, ऐसे पदार्थ जो कि पॉलीथीन से बने हुए होते हैं, उनको क्या करता है ये केंचुए जो है कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक। क्या आपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? तो हमने कभी कंपोस्टिंग के समय कोई एक कीड़ा जो है वो कंपोस्ट में परिवर्तित किसी भी नहीं कर सकता, लेकिन उसे भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम वहाँ उसमें थोड़े छोटे छोटे जो है वो कीड़े मकोड़े देखते हैं, ठीक। और उसमें कुछ ऐसे रोगाणु भी पाए जाते हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कचरे का निपटान जो निपटान है वो केवल सरकार ही कर सकती है? तो इसमें क्या है कि कचरे के निपटान के लिए केवल सरकार का उत्तरदायित्व है, बल्कि जो हमारे प्रत्येक नागरिक हैं, ये नागरिकों का भी फर्ज है कि वो सरकार के इस सहयोग या फिर इस कार्य में उनका सहयोग दें। अगर हम इनका कचरा जो है पैदा करते रहेंगे तो बड़े पैमाने में जो है बीमारियां बढ़ेंगी न कि घटेंगी। और उसके बाद जो हम प्लास्टिक पॉली बैग हमारा प्लास्टिक पॉली बैग और जो गैर बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि जो जिसका हम कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो हानिकारक चीज़ें हैं वो पर्यावरण में फैलेंगी, और कचरे के उत्पादन को कम करने के जो तरीके हैं वो हमें करने चाहिए, जहाँ भी संभव हो सके हमारे जो दैनिक उपयोग में पुनरावर्तन वर्तनी सामग्री का उपयोग कर रहे। पुनरावर्तन सामग्री का मतलब यहाँ पे ऐसी सामग्री जिसे हम फिर से परिवर्तित करके उपयोग कर सकते हैं। खा देखते हैं कि क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्या को कम करना संभव है? हाँ, ऐसा आप हो सकता है, ठीक है। कचरे के निपटान से संबंधित जो समस्याएं होती है वो काफ़ी हद तक हमें कम करना संभव है। उन सामग्रियों का हमें उपयोग करना बंद कर देना चाहिए जो कि पुनर्नवीकरण योग्य नहीं है, और उन सभी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो पुनर्नवीकरण योग्य है, ठीक। तो हमें कचरे के डिब्बे में जो है कचरा फैलाने के दौरान हमें जो बायोडिग्रेडेबल कचरे को गैर बायोडिग्रेडेबल से अलग करना चाहिए। तो हमारा क्या था, बायो डिग्रेडेबल, ठीक, जो जो कि बायो मतलब जो हमारे खाद है उससे रिलेटेड जो है वो ना हो, ठीक। तो इसे हमें अलग करना चाहिए और उन्हें अलग अलग डिब्बों में फेंक देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जो सरकार है वो कुछ नीले और हरे रंग के डिब्बों का निर्माण किया है। तो जो नीले रंग के डिब्बे होते हैं, हमने देखा कि उसमें
प्लास्टिक या फिर जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं उनको रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि घर में बचे हुए भोजन का हम क्या करते हैं। तो जो हमारे घर में भोजन बचा हुआ होता है उन्हें सड़क या फिर सड़क पर घूमने वाले लोग जो जानवर होते हैं उन्हें हमें दे देना चाहिए खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें जो भोजन होता है उसे अगर हम फेंक दें तो उससे कोई फायदा जो है ना हो, बल्कि हम उसे जानवरों को खिला सकते हैं, ठीक। खा देखते हैं, यदि आप एवं आपको एवं आपके मित्रों को किसी ऐसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। तो केले का पत्ता जो है बेहतर विकल्प होगा क्योंकि यह बायो डिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब यहाँ पे क्या था कि एक गैर बायोडिग्रेडेबल था। गैर बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि जो बायो के रूप में या फिर खाद के रूप में ना बने, लेकिन ये क्या है बायोडिग्रेडेबल है, ठीक। बायो जो डिग्रेडेबल होगा ये आसानी से जो है इसका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो दूसरी ओर जो प्लास्टिक की प्लेट होता है इसमें खाना भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक। तो इसमें आसानी से अपघटित जो है वो नहीं होता और उससे कुछ हानिकारक चीजें जो है वो हमारे भोजन में आकर के मिल जाती हैं। चौथे का देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र करने के पता कीजिए कि इसका किसका पुनर्चक्रण जो है किया जा सकता है, ठीक। तो हमारे पास बहुत से प्रकार के कागज होते हैं, उनका उपयोग जो है हम कर सकते हैं। तो बाजार में जो उपलब्ध अधिकांश कागज होते हैं उनका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, नोटबुक, पत्रिकाएं, पेपर शीट, लिफाफे, ठीक, लिफाफे, अखबार, पेपर सीट। तो इन सभी चीज़ों का हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ठीक। खा देखते हैं कि लेंस की सहायता से कागज के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए जिन्हें हमने उपरोक्त प्रश्न में एकत्र किया था, ठीक। क्या आप कागज की नई सीट एवं पुनर्चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? तो कोई नई सीट का पुनर्चक्रण जो है सीट के बीच के अंतर जो है वो काफ़ी लेंस की सहायता से हमने जो कागज के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण किया तो इसमें जो नई सीट और पुनर्चक्रित सीट के बीच में जो है वो काफ़ी अंतर हमने देखा कि आमतौर पर जो पुनर्चक्रित कागज होते हैं उनकी गुणवत्ता जो है वो नई सीट से क्या होती है कि थोड़ी कम होती है, क्या होती है थोड़ी कम होती है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि पैकिंग में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए और इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया था, इन्हें हमें चर्चा करना है। तो पैकिंग के उपयोग में होने वाली हमारी बहुत ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमने एकत्र किए थे जिसमें उनका उद्देश्य क्या था कि हमने जो पैकिंग में देखा था कि जो कार्डबोर्ड होता है, क्या देखा था, पांचवा है कार्डबोर्ड, इसमें हमने देखा था जूता, साबुन, बल्ब तथा अन्य बक्से के रूप में यह उपयोग होता है, किसके, जूता, साबुन, बल्ब आदि चीजों में इनका उपयोग होता है। खा देखते हैं कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिनमें पैकेजिंग की मात्रा जो है कम की जा सकती है, ठीक। तो पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग करके हम पैकेजिंग सामग्री का जो है वो मात्रा कम कर सकते, इसके लिए क्या हमें चाहिए, पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण। गा देखते हैं कि पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर एक कहानी हमें लिखनी है। तो पैकेजिंग का जो मूल उद्देश्य होता है वो उत्पादन के साथ दुर्व्यवहार करने से हमें बचना है और हमें अपने चारों तरफ ताजगी जो है वो बनाए रखनी है। हालांकि जो अधिकांश हमारे पैकेजिंग सामग्री होते हैं इनका उपयोग उत्पाद के लिए जो सुंदर बनाने तथा आकर्षक दिखने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो पैकेजिंग होती हैं इनका एक बड़ा हिस्सा जो क्या होता है वो बेकार में चला जाता है, इसमें जो कि क्या होता है बेकार हो जाता है, ठीक, बेकार हो जाता है, हो गया। फिर इसके बाद जो हमारे कचरे के स्थान पे डिब्बे जो होते हैं वो चिप्स, बिस्कुट आदि के कूड़े जो है उनसे भरे हुए होते हैं,
ये अनावश्यक रूप से जो कचरों की मात्रा को बढ़ाता है और जो अनावश्यक पैकेजिंग के कारण में उत्पाद जो है लागत में भी वृद्धि करता है। इससे गंभीर विचार जो है हमारे ऊपर उत्पन्न होता है कि अनावश्यक पैकेजिंग जो है वो हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम देखेंगे, क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्टिंग का उपयोग जो है वो उत्तम होगा? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे कंपोस्टिंग होते हैं ये तैयार करना बहुत ही आसान होता है। इससे जो हमारे कचरे होते हैं इनसे भी हम इनका निपटान जो है वो कर सकते हैं, और कंपोस्टिंग ये जो होते हैं उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, ये इनकी तुलना बहुत ही अच्छे होते हैं और ये हमारे पर्यावरण को अनुकूल भी बनाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी अनुकूल बनाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन जो हमारे कंपोस्ट हैं वो भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, ठीक है, और जो हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और जो हमारे कंपोस्ट होते हैं वो जैव अपघटित कचरे के जो प्राकृतिक मिट्टी में मिला देते हैं, और इससे जो होता है वो हमारा पर्यावरण भी क्या होता है वो सुरक्षित रहता है, ठीक। इस तरह से हमारा ये जो साइंस की बुक है उसका जो हमने देखा 14वां पाठ ये भी समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।